अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बस एक बार हमने सर पे अपना आशीर्वाद वाला हाथ रख दीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम ही बिंदिया है। जो इस लकीर के इस पार आई है तो ठीक हो? ये आप क्या करने जा रही थी मां? अरे बिंदिया मां बनने वाली है। इन लोगों का विश्वास कर रही है मां जो आपको भड़का रहे हैं। अरे आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रही है मां? सच आपके सामने खड़ा है। अगर ये मेगा होती मां तो मैं खुद उसका साथ नहीं दे रहा होता। प्लीज मेरी बात मान लीजिए मां, यही बिंदिया है और इसके पेट में मेरा बच्चा है। बच्चा ही तो फसाद की जड़ है। मां चलो बिंदिया, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, चलो। नहीं अभय जी, रुकिए। बातचीत करके हर बात सुलझ सकती है। इनकी आंखों पर गलतफहमी की पट्टी चढ़ाई गई है बिंदिया। इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, हम चलो यहां से। चाहे जैसी भी पट्टी चढ़ी हो अभय जी, प्यार से समझाने पर उतर सकती है और हमें यकीन है हम उनसे बात करेंगे, उन्हें पुरानी चीजें याद दिलाएंगे तो वो हम पर यकीन करेंगी। नहीं बिंदिया, वो यकीन करने को तैयार होती तो फिर लाइन खिंचवाती नहीं जुबली भैया को बोलकर। और बिंदिया, तुम्हें उस लकीर को पार करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमारे लिए वो लकीर अहमियत रखती ही नहीं है अभय जी। इसे घर में लकीर खींचना, अपनों के बीच बंटवारा करना, ये सब नहीं होना चाहिए। और हमें ये सब ठीक भी नहीं लगता। हम मां से बात करके। नहीं बिंदिया, जो भी बात करनी है तुम्हें मां से, लकीर के इस तरफ से करोगी। तुम वो लकीर को पार नहीं करोगी।
वो लकीर माँ ने बनवाई है ना, तो फिर हर आदेश की तरह हम उनके इस आदेश का भी पालन करेंगे। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप माँ से नाराज हुए बैठे? नहीं होना चाहिए मुझे, तुम बताओ बिंदिया, नहीं होना चाहिए मुझे? अरे माँ ने अपने मन में झूठ को इतना गाढ़ा कर लिया है कि सच के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी उन्होंने। उनका पति, उनका बड़ा बेटा, उनकी बेटी, उनका दामाद झूठ परोसे उनके सामने, और माँ उनके अलावा ना कुछ देख पा रही है ना देखना भी चाह रही है। बिंदिया, तुम प्लीज इस हालत में ये सब सोचकर खुद को परेशान मत करो। इस समय तुम्हें सिर्फ हमारे आने वाले बच्चे के बारे में सोचना है, उसी का ख्याल रखना है। इस नन्ही सी जान के बारे में सोचो बिंदिया, जो तुम्हारी कोख में पल रहा है। घर का ये तनाव अपने सर पर मत लो बिंदिया। कुछ काम वक्त पर भी छोड़ दो। चार रिपोर्टर कह रहा है कि आप फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बड़के साले साहब काय कीजिए, अरे वापस भी तो फेंकिए। ये का, ये कोई मौका है, कोई टाइम है कैच एम कैच खेलने का? अरे ससुर जी, टाइम तो मौके पर चौका मारने का है। अरे दीजिए दीजिए। अरे लेकिन कैसा मौका जीजा जी? सासू माँ ने अपने मुंह से बहुत ही सुनहरा वाक्य बोला कि बच्चा ही फसाद की जड़ है, इसी का तो फायदा उठाना है हमें। सासू माँ के नाम से खेल खेलेंगे तो कोई रिस्क भी नहीं होगा। हम जो कुछ भी करेंगे उसका सारा इल्जाम सासू माँ पर ही जाएगा। इस फसाद की जड़ को खत्म करना। अरे इस बच्चे को ही खत्म कर देते हैं ससुरा। देखिए पत्नी जी, एकदम ही कच्चा पपीता है, खाते ही असर होगा पेट के बच्चे पर। अरे पति जी, ये पपीता बिंदिया खाएगी? अरे उसको इतनी अकल तो है ना कि पेट से होने पर पपीता नहीं खाते हैं, और अम्मा वो भेजेंगी आप भी ना। अरे उन्हें बताना है थोड़ी ना कि कच्चा पपीता डाले है, नहीं समझी? नहीं। ये देखिए, कद्दू की सब्जी बनानी है और कच्चे पपीते को इसे ऊपर ऊपर से ढक देना है। अच्छा, मतलब पपीता काट के नीचे रखने का और ऊपर से कद्दू की सब्जी। हाँ बिल्कुल सही। हाँ। कह रहे हैं, लाइए दीजिए। हो गया था यार।
उसके पेट में मेरा बच्चा है। बच्चा ही तो फसाद की जड़ है। अम्मा एक बात कहें, आज तुमने अभय को जैसा बोला ना, उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा होगा। अरे बच्चा चाहे जिसका भी हो, अभय तो उसको अपना मान रहा है ना। आज तुमने अपने लल्ला का दिल दुखा दिया। हम जानते हैं, वो कहने के बाद हमने अपनी जबान काट ली, पर क्या कर सकते हैं, मुंह से बात निकल गई वो हमरे। हाँ अम्मा, हम क्या कह रहे हैं, आज अभय के मन पसंद की सब्जी बनी है, कद्दू की सब्जी। एक काम करो, तुम ना उसको भिजवा दो, उसको लगेगा कि अब माँ नाराज जरूर है लेकिन पराई नहीं है। तू बिल्कुल सही कह रही है। चलो कहाँ, अरे एक बार हम रसोई में जाकर सब्जी चक तो ले, अपनी नजर से देख तो ले। चल चल ना। हाँ अच्छी तो दिख रही है, कटोरा लिया हम निकाल देते। अरे अम्मा हम तो पहले से निकाल के रखी है, वो भी अच्छे से, हम दिखाते हैं। ये देखो, ला। हाँ अरे बाप रे, अम्मा इसे चम्मच से ना हिला दें, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि ऊपर कद्दू की सब्जी है और नीचे कच्चे पपीते। अंजू। जी माँ जी। इधर आ। ये सब्जी ले जा करके ना लल्ला को दे दे, उसे कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी। देवर जी, भाभी माँ जी ने आपके पसंद की कद्दू की सब्जी भेजी है, ये देखिए। माँ को जैसे ही पता चला कि आप नाराज हैं, आपको मनाने के लिए आपकी मनपसंद सब्जी भेज दी। अभी ये माँ ने खुद दिया है आपको? हाँ दीजिए, खाइए। आपको हम उठा देते हैं अभय जी।
कच्चा पपीता है। क्या हुआ बिंदिया? कुछ नहीं अभय जी, वो बस खाने का मन नहीं कर रहा है। अरे क्यों, समय से खाना चाहिए तुम्हें, वो खाना भी। ऊपर से कद्दू की सब्जी डाल के छुपाया गया था। बच्चा ही तो फसाद की जड़ है। ये जानते हुए भी कि तुम मां बनने वाली हो, मां ने तुम्हें कच्चा पपीता खाने के लिए भेजा। मां तो जानती होगी ना बिंदिया कि प्रेगनेंसी के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है, फिर भी उन्होंने तुम्हारे लिए सब्जी भेजी। मैं उनसे बात करके आऊंगी। नहीं अभय जी, रुकिए, आप क्या करने जा रहे? अरे गुस्से में और बात बिगड़ती है, ठीक नहीं होती। पहले अपना गुस्सा शांत कीजिए, और हो सकता है कि कोई गलत फहमी हुई हो, वरना आप खुद ही सोचिए माँ ऐसा क्यों करेंगी। और वैसे भी हमने खाया थोड़े ना। तुम खा सकती थी बिंदिया, अगर वो बोल नीचे नहीं गिरा होता तो। पर भोलेनाथ की कृपा हुई और हम बच गए। अब ये बात करने की कोई जरूरत ना है। जरूरत है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बिंदिया, हमारे होने वाले बच्चे की जान जा सकती थी। अगर माँ ने गलती से भी ये सब्जी भेजी है तो उन्हें पता होना चाहिए। अगर किसी को मेरे होने वाले बच्चे से नफरत है बिंदिया, इसका मतलब वो इंसान को मुझसे भी नफरत है, और ये बात मैं माँ को बताना चाहता हूँ। भोलेनाथ, ये तो पिस्तौल लेके गए, कहीं बात और ना बिगड़ जाए। भाभी, मां बाहर आइए। इतनी कठोर कैसे हो सकती है आप माँ? क्या बात है लल्ला? आपने कद्दू की सब्जी में कच्चा पपीता मिला के भाभी के हाथ भिजवाया ताकि बिंदिया ऐसे खा सके और मेरा बच्चा। कहा कह रहा है लल्ला, हम कच्चा पपीता काहे भेजेंगे? हाय हाय अभय, तुम इस मेघा की बातों में आके अपनी माँ पर इतना बड़ा इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। अरे अम्मा तुम्हारे बच्चे को क्यों मारना चाहेंगी? अरे तुम्हारे बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी होगी? ये बात माँ से पूछो दीदी, जिन्हें मेरा बच्चा सारे फसाद की जड़ लगता है। कहने दीजिए अभय जी, बात को और मत बढ़ाइए, शांत हो जाइए। लल्ला तू
का हमें इतना बुरा समझता है कि हम किसी के कोख के बच्चे को मारने की कोशिश करेंगे? हम भी एक माँ है और एक माँ कभी भी किसी के बच्चे को मारने की सोच भी नहीं सकती है। मानते हैं हमने जो भी कहा था गुस्से में कहा था, पर इसका मतलब ये ना है कि हम किसी के बच्चे को मारने की सोच भी सकते हैं। पर तू अपनी माँ को इतना ऊंचा समझता है, तेरी नजर में तेरी माँ यही है का? माँ खबरदार, खबरदार जो माँ और बेटे के बीच में आने की कोशिश भी की है तो खबरदार, एक शब्द भी बोला है तो। गोली मार देंगे तुम्हें।